हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में आपको सारी वीडियो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो आप मेरे चैनल में बहुत बार देखते ही होगे। तो आज का जो वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप बताऊँगी कि आप ब्लाउज कैसे बना सकते हो, वो भी बिना मेज़र किए हुए। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको पता है, ये जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ ना, वो एक्चुअल में एक स्लीव्स है। मतलब मेरी मम्मी का एक कुर्ती था, तो उसमें उनको वो स्लीव्स नहीं चाहिए था, बट मुझे वो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार इसमें ब्लाउज बना के देखूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टॉप लिया है, तो मैं इसी के मेज़र से बनाने वाली। जैसे कि मैंने कहा है, मैं यहाँ पर कोई मतलब इंची टेप से ये सबसे नहीं देखने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट अपना टॉप उसके ऊपर रख के मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर में कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो जो मैंने टॉप लिया था जिसके साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो उसको ही मैंने फोल्ड कर लिया है और मुझे उसमें जितना चाहिए था उसके हिसाब से मैं उसमें चौक से लाइनिंग बना रही हूँ। आपको वैसा ही करना है। अभी आप देख सकते हो मैंने पहले फिटिंग ले लिया है, तो उसके ऊपर से मैं और एक लाइन बना रही हूँ ताकि मैं उतना कट करूँ। और वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बाद में सिलने के टाइम पे मेरा वो जो कपड़ा है ना उतना एक्स्ट्रा रहे। तो जो नीचे वाला लाइन है वो फिटिंग का है, जो ऊपर वाला लाइन है उसमें हम सिलाई करेंगे। उसके बाद फिर आपको न्यूज़पेपर कट कर लेना है। तो जैसे ही आप एक कट कर लोगे ना, तो आपको वैसे ही फिर दूसरा भी कट करना है सेम। तो आप क्या करोगे, सेम वैसे ही एक न्यूज़पेपर लोगे और फिर जो आपने पहले कटिंग किया था ना, आपको उसके ऊपर रखना है और वैसे ही सेम कटिंग लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को भी सेम कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये मेरे बैक साइड का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सीधा लाइन बना लिया है मेरे हाथ के वहाँ से, क्योंकि मुझे जो पीछे का जो डीप नेक चाहिए ना, तो वो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। और फिर मैंने उसके नीचे एक लाइन बना दिया है ताकि मुझे पता चले कि मुझे ये जो गला है ना, ये कहाँ तक चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कोई भी मतलब आपका जो ब्लाउज़ है आपको वो लेना, आप जिसका मतलब बैक बनाना चाहते हो। तो मुझे ये ब्लाउज़ का बैक साइड बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैं ये ब्लाउज़ ले रही हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले पिन लगा दूँगी ताकि ये जो न्यूज़पेपर है वो हिले ना। के बाद फिर आप देख सकते हो ना यहाँ पे मैंने ब्लाउज में भी पिन लगा दिया है ताकि जब मैं इसमें लाइनिंग करूँ ना, तो ये बिल्कुल ना हिले। तो अब इसका जो नेक है ना, अब मैं उसमें मतलब पहले चौक से निशान लगा लूँगी और फिर बाद में मैं उसको कट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया मुझे कितना चाहिए। तो पहले मैंने जो लिया था वो फिटिंग का था, अब मैं उससे ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा बना रही हूँ। मतलब हाफ इंच छोड़ के मैं एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, क्योंकि वो जो मेरा ऊपर का लाइन है वो मेरा मतलब सिलाई के लिए है और जो नीचे का वो मेरा फिटिंग का है। तो कट करने के बाद आप देख सकते हो पीछे का नेक का हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने नीचे से थोड़ा सा कट कर लिया था क्योंकि मुझे नीचे उतना लंबा नहीं चाहिए था। तो अभी मैं उसी के हिसाब से मेरा जो फ्रंट का मैंने पहले कट किया था ना, तो मैं इन दोनों को बराबर कर लूँगी। तो मैंने बैक का थोड़ा नीचे कट किया क्योंकि मुझे उतना नीचे लेंथ नहीं चाहिए था। तो मैंने अपने फ्रंट का भी उतना कट कर लिया है। आपका ये दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक छोटा बड़ा हो। तो मैंने इनको पिन लगा के पहले देख लिया है कि ये दोनों मतलब बराबर है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी के शेप में हमने जो कपड़ा लिया था, जो स्लीव्स था हमारा, हम उसको कट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट का कट करेंगे, आप देख सकते हैं ये पूरा आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके जो हमने फ्रंट का पहले कट किया था ना, हम उसको इसके ऊपर रख के
फिर दोबारा इसमें मतलब लाइनिंग करेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो जो नीचे फोल्ड दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में लास्ट में हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसको कट मत कीजिएगा। तो मुझे जितना लेंथ चाहिए था मैंने उतना रख लिया है पहले, उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको पिन लगा के उसको रख रही हूँ ताकि जब मैं इसमें मार्क करूँ तो वो हिले ना। तो साइड में मैं वो कपड़े छोड़ दूंगी, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस उसमें मार्क लगा रही हूँ कि मुझे कितना सिलना है। तो आप देख सकते हो मैंने मतलब इसका हाथ में मार्किंग कर लिया है। और ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये एक्चुअल में मैंने पहले से ही इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के कट किया था, तो इसलिए बाद में आपको हाथ के और गले के टाइम में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। बस आपको साइड में मतलब जो कपड़ा आपका बचा रहेगा ना उसको छोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हो मैंने फ्रंट का कट कर लिया है, तो मैंने साइड से कट नहीं किया, मैंने बस इसका जो हाथ और जो गला था ना नेक आगे का मैंने वही कट किया है, और नीचे से वो बाद में फोल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा फ्रंट का कट हो चुका है, उसके बाद हम बैक साइड का भी सेम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा नीचे से वो हमारा फोल्ड होने वाला है तो उसको बिल्कुल कट मत कीजिएगा, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे हम, एक फोल्ड करेंगे उसके बाद फिर हम ये न्यूज़पेपर उसके ऊपर रख के फिर हम उसको मार्क लगाएंगे। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें सिर्फ हाथ और गला ही कट करना है, और जब आप इसमें नेक का कट करो ना तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना, क्योंकि आपको जब आप उसको मतलब सिलाई करोगे ना तब आपको बैक साइड में थोड़ा सा कपड़ा लगेगा, तो इसलिए आप जब बैक का बनाओगे ना तो उसमें जहाँ पर आपने निशान लगाया है ना उससे थोड़ा सा हाफ इंच आप एक्स्ट्रा उसमें कट कर लेना कपड़ा। तो जब बैक का आप कट करोगे ना तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे मतलब मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया, मतलब जितना मैंने मार्किंग किया था उससे हाफ इंच मैं मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ इसका नेक और जो मेरा स्लिप्स वाला एरिया था मैंने बस उसी को ही कट किया है। तो मेरा बैक साइड का भी हो गया, मैं इनको पिन अप करके देखने वाली हूँ, दोनों को मैं पिन लगा के देखने वाली हूँ कि मेरे बॉडी में जाएगा कि नहीं। अगर ये मुझे फिट होता है तो मैं आगे सिलूंगी, नहीं होता है तो फिर मैं इसको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए रखूंगी। तो मैंने इसको फिट कर लिया, तो मैंने इसको लगा के देख लिया था, तो ये जो कपड़ा है ना मुझे थोड़ा सा लूज ही हो रहा था, तो मतलब मैं इसको जब सिलूंगी ना तो ये पूरा फिट हो जाएगा। तो उसके लिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बस एक साइड में पिन लगा दिया, मैंने अभी तक सिला नहीं है, बस मैंने पिन लगाया। तो मैं अभी बैक साइड में ये लेस दिख रहा है ना आपको, मैं ये अभी लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, तो इसलिए मैं इसमें गोल्ड लेस लगा रही हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। तो आपको ऐसे करके बैक साइड में पूरा लेस लगा के कवर कर देना है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैंने बैक साइड में पूरा लेस लगा लिया, तो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस बच गया, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं फ्रंट में भी नेक में भी लगा लूँ। तो आप देख रहे हो ना मैंने अभी तक कहीं सिलाई नहीं किया है, वो भी मैंने साइड में जो है वो पिन लगा के रखा है, मैंने अभी नहीं सिला है, मैंने बस पीछे के गले में लेस लगाया है, तभी मैं फ्रंट में भी सेम करूँगी। तो आपको फ्रंट में क्या करना है, सबसे पहले आपको कपड़े को फोल्ड करके उसको अच्छे से सिल लेना है। उसके बाद फिर आप ये जो लेस मेरा एक्स्ट्रा बच गया था ना, अब मैं वो गले में लगाऊंगी, जैसे मैंने सेम बैक में लगाया था ना मैं वैसे ही लगाने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको लेस लगाने का एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप उसको बीच से अच्छे से फोल्ड कर दोगे ना तो आप उसको डायरेक्टली आपका जो भी जहाँ पे भी आपको ये लेस लगाना है आप उसमें डायरेक्टली उसमें रख के लगा सकते हो, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब इसमें आपको बार बार उसको चेक करना नहीं पड़ता, आप इजीली सिल सकते हो। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो मतलब सिलते सिलते ही मुझे पता चला, एक्चुअली में मुझे सिलाई नहीं आता है, सही में बोलूँ तो मुझे सिलाई नहीं आता है, ये बस मैं ट्राई कर रही थी ये देखने के लिए कि इस तरीके से भी हम ब्लाउज सिल सकते हैं या नहीं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको पता चल ही जाएगा अभी, तो आप बस देखते रहिए। तो जैसे ही मैंने अपना नेक सिल लिया है ना, तो अभी जो मेरे साइड के जो फैब्रिक थे ना मैं उसको सिल रही हूँ, तो अभी मैं दोनों साइड से इसको सिल लूँगी। तो
आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से इसको सिल लिया है। तो अब सिलने के बाद भी ना मैं इसको फिर और एक बार लगा के देखूंगी कि सिलने के बाद ये मुझे फिट हो रहा है या नहीं। तो नीचे आपको जैसे कि पता है उसको मैं फोल्ड करने वाली हूँ, इसलिए मैं कट नहीं करूंगी। तो इसको मैं और एक बार लगा के देखूंगी कि ये मुझे फिट होगा या नहीं। और उसके बाद मैं ये जो हाथ जो आप दिख रहे हैं ना, इसमें भी वैसे जैसे मैंने गले को फोल्ड करके मतलब सिला था ना, मैं वैसे ही सेम दोनों में सिलने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इनके दोनों हाथों को भी सिल लिया है। तो ये अब जो फैब्रिक देख रहे हो ना, ये जो मैंने गले मतलब जो पीछे बैक साइड का नेक बनाया था ना, उसमें से बचा हुआ कपड़ा है। तो इससे मैं क्या करूँगी, जो मेरे हाथों का है ना, मैं उसके लिए ये कपड़े को यूज़ करने वाली हूँ। तो ये एक्चुअल में कैसा है ना कि मतलब ये जो कपड़ा है ना थोड़ा कम था, तो उसके लिए मैं इसमें पूरा मतलब बंद वाला हाथ नहीं बना सकती थी। अगर मैं वैसे करती ना तो फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं होता और वो मुझे टाइट हो जाता, तो वो लगाने लायक नहीं रहता। इसलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसको कट करके उसको सिल के मैं ये लगाऊंगी। इससे क्या रहेगा ना कि आपका ब्लाउज ईजिली घुस जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा फिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं इसको सिलने के बाद मुझे दो स्ट्रिप्स मिल गए। तो अब इसको मैं लगा लूँगी। तो आपको दोनों सेम वैसे ही सिलना है। सिलने के बाद फिर मैं इसको सबसे पहले पिन से लगा के देखूँगी और फिर मैं ये इसको पहन के देखूँगी, तब मुझे आइडिया आएगा कि मुझे ये जो स्ट्रिप से कितना टाइट करना है। तो आप डायरेक्टली इसको नहीं सिलना, पहले आप इसमें पिन लगा के आप पहन के देखिएगा कि आपको कितना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं पीछे का कट कर लूँगी बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाद में पिन लगने वाला है, क्योंकि बाद में यहाँ पे हमारा हुक लगने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो ना, मैंने पिन से इसको मेज़र कर लिया है कि मुझे कितना चाहिए। तो इसको मैंने पहले पहन के देखा, तब मुझे पता चला कि मतलब मुझे कितना टाइट रखना है। इसलिए आपको पहले नहीं सिलना है, आप पहले पिन से उसको मेज़र कर लीजिएगा आपको कितना कितना चाहिए। तो मुझे जितना जितना फैब्रिक चाहिए था मैंने उतना उतने में पिन लगा के रख दिया है। अब मैं इसको डायरेक्टली सिल दूँगी। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये लेस था बड़ा वाला, तो अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, देख सकते हो मैंने इसको सिल लिया है। मैंने नीचे से फैब्रिक को पहले जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख के बाकी को फोल्ड करके उसको सिल के फिर मैंने उसके ऊपर ये लेस लगाया। और मैंने इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा फैब्रिक, तो मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लेस को छोड़ दिया था ऊपर नीचे, मैंने दोनों को नहीं सिला था, क्योंकि वहाँ से मैं साड़ी डालने के लिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। तो आप देख सकते हो ना, मैंने जो आपको कहा था मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ये लेस को छोड़ दिया था सिलाई, वो इसीलिए छोड़ा था ताकि इसको मैं अपने साड़ी के अंदर से ले जा सकूँ। तो मैंने उसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ही छोड़ा है, और ये भी मैंने कोई मेज़र करके नहीं छोड़ा है, मैंने बस डायरेक्टली उतना छोड़ दिया था। तो आप जितना पतला प्लेट्स बनाओगे उतना ही होगा। तो आप देख सकते हो पहनने के बाद मैंने इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको दिखा दिया, और सच्ची बोलूँ तो बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग हुआ है। मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ये हो पाएगा ऐसा, मैंने बस ये ट्राई करने के लिए किया था, लेकिन आप देख सकते हो ना ये कितने अच्छी तरीके से हो गया। इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मली इस तरीके से भी ये ब्लाउज बना सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो मैंने डोरी लगाया है ये मेरी मम्मी की कुर्ती के साइड में था, तो इसलिए उसको मैंने लेके पीछे डोरी लगा दिया। अगर आपके पास नहीं है ना, तो ऐसे छोटे छोटे पतले पतले ना वो लेस जैसे भी आते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में भी ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े बचे हो तो आप उनपे उनके साथ भी ये ट्राई कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी मतलब इतनी ईजिली अपना ब्लाउज बना सकें। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।